विनेश फोगाट कुछ ही समय में अपने गांव चरखी दादरी में आने वाली है और इस समय हमारे साथ कुछ समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं जो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे, कैसा लग रहा है विनेश आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए मैम, कैसा लग रहा है विनेश आ रही हैं और क्या क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो। आप क्या कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट हमारे देश की आन है, शान है, बान है। हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि विनेश फोगाट जैसी बेटी, कहते हैं कोई जीतता है लेकिन हमारी बेटी हार के भी जीती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी विनेश फोगाट जैसी बेटी हर घर में पैदा। आप इतनी रात में उनका स्वागत करने पहुंची हैं तो कैसा लग रहा है, क्या क्या उत्साह था आपके? आज जो उत्साह है वो हम बयान नहीं कर सकते। हम चरखी दादरी से आए हैं, मैं डॉक्टर सुनीता कासनी हूँ और हमारा प्रोग्राम महम में था, वहाँ से चल के यहाँ आए हैं और अभी वो दादरी भी नहीं पहुँचे हैं। तो आपका क्या प्लान है, क्या आप इंतज़ार करेंगी रात तक? बिल्कुल, हम पूरी रात भी जाग सकते हैं, पूरी रात कई रातें जाग सकते हैं बेटी के लिए। तो कैसा लगा था, निराशा तो हुई होगी ना जब मेडल वाला जो प्री था? कोई तो, मैंने बोला ना, कोई तो जीतता है, हमारी बेटी हार के भी जीती हुई है। सुना कि किस तरह से लोग जो हैं वो देर रात यहाँ पहुँचे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं विनेश का स्वागत करने के लिए और वो कह रहे हैं कि कितनी भी रात हो वो यहाँ रुकेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। चरखी दादरी से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।